नमस्कार, मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदी भवन के सभागृह में। आपको बता दें, यहाँ पर एक पुस्तक का आज लोकार्पण किया गया है। डॉक्टर मीनू पांडे, जिन्होंने की बुंदेली काव्य संग्रह का आज लोकार्पण किया। डॉक्टर मीनू पांडे, मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ, एक समाज सेविका भी हूँ और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। और आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना मैंने की है। एक साहित्यकार होने के नाते जो आपके जो भाव हैं उनको अलग अलग रूप में पिरोना मेरी आदत है और मेरी भावना उसी तरह से मैं व्यक्त करती आई हूँ। पहले मैंने अंग्रेजी में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा, अब मैंने बुंदेली की तरफ रुख किया है क्योंकि मैं पली बड़ी बुंदेली में ही हूँ। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपनी जड़ों से दूर नहीं होना चाहिए। तो जो मेरी जड़ है, जो मेरे रग रग में जो खून जहाँ का बहता है, उसके प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है। अब मुझे मौका मिला, वो मैंने अपने भावों की अभिव्यक्ति बुंदेली बतरस के माध्यम से की। मैडम, अगर हम आपसे जानना चाहें कि इस काव्य संग्रह का उद्देश्य क्या है? काव्य संग्रह का उद्देश्य, जो मैंने अभी आपसे कहा कि क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि जो बोलियां हैं आजकल, क्योंकि हिंदी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी संस्कृति या जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो जब आपको समय मिले, जब आपको लगे कि अब आप इस योग्य हो गए हैं कि आप अपना जो भावनाएँ हैं उनको बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तो इस तरह का कोई योगदान आपको ज़रूर देना चाहिए। और इस जो हम मेरा बुंदेली बतरस जो काव्य संग्रह है, इसमें 81 जो है 81 अलग अलग विषयों को लेकर मेरी जो भावनाएं हैं उनको मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। और उसके पीछे भावना यही रही है कि कई बार क्या होता है कि दरअसल ऐसा होता है कि बुंदेली में जो लोग बात करते हैं थोड़ा सा वो उतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि यदि सभी भाषा वाले जो लोग हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं तो आप क्यों नहीं रहते हैं। आपको भी इस बात पर गुमान होना चाहिए कि आप किस एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं। तो वो बात कैसे आएगी, जब आप उसमें साहित्य को समृद्ध करेंगे। बस यही उद्देश्य को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। काव्य संग्रह के बाद आपकी और कोई रचना जो आप लिख रही हैं? मेरी बुंदेली रामायण, क्योंकि जो कोरोना वाला समय था उस टाइम आपको पता है बहुत नेगेटिविटी भरी हुई थी, और तब उस टाइम पर रामायण सीरियल शुरू हुआ, तो क्योंकि बहुत पहले मैंने उसको देखा था और फिर मुझे वो सारी बातें याद आई और मुझे लगा कि क्यों ना ये जो नकारात्मकता है इसको सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए। तो मैंने बुंदेली रामायण जो है उसकी रचना करना शुरू कर दी। मुझे लगा था कि शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं उसको कलमबद्ध करने में जो है सक्षम रही हूँ। और बहुत ही जल्दी, तकरीबन अगले महीने, मेरी बुंदेली रामायण भी आने वाली है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद मैडम। ये थी डॉक्टर मीनू पांडे, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। मैं रश्मि जैन, कैमरा पर्सन अजय के साथ, यस जाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।